सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मुलाकात। मुल्क की सलामती और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। सदर ने ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की नई अस्करी क्यादत को मुबारकबाद। जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ, जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को नया चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनने पर मुबारकबाद दी। कहा, उम्मीद है नई लीडरशिप एतमाद के खसारे को खत्म करने के लिए काम करेगी। रियासत की ताकत अवाम ही की वजह से है। असेंबलियों की तहलील इमरान खान मुतहर्रिक। पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत जारी। हम्माद अजहर, यास्मीन राशिद और डॉक्टर अरसलान जमान पाक पहुंच गए। परवेज इलाही भी कप्तान से अहम मुलाकात आज ही करेंगे। तहरीक इंसाफ की मकबूलियत सातवें आसमान पर। तमाम जमातें वो सपोर्ट हासिल न कर सकी जो तहरीक इंसाफ के हिस्से में आई। इलेक्शन कमीशन ने भी एतराफ कर लिया। मुफसल रिपोर्ट जारी। कहा, पीटीआई 35 जिमनी इंतखाबात में 27 में कामयाब रही। कौमी असम्बली की 11 में से 9 नशिस्तें। पंजाब के 23 हलकों में से 17 पर कामयाबी समेटी। 18,59,322 वोट मिले। पीडीएम के हिस्से में 15 लाख वोट आए। नून लीग कोई सीट न जीत सकी। फवाद चौधरी कहते हैं, अब भी वक्त है आवाम के फैसलों के सामने सर तस्लीम खम कर दें। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात अप्रैल के आखिरी हफ्ते में कराने का फैसला। इलेक्शन कमीशन का कहना है, पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की मुद्दत 1 जनवरी 2022 को ख़त्म हो चुकी है। कवानीन में तब्दीली के बाद सूबे में तीसरी मरतबा हल्का बंदियां शुरू कर दी। इंग्लिश टीम के 14 अरकान की तबीयत खराब। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में एक रोज की ताखीर का इम्कान। हतमी फैसला इंग्लैंड के खिलाड़ियों के तिब्बी मुआयने के बाद होगा। जुमे से मैच शुरू कराने की तजवीज़। मैच 4 दिन का भी हो सकता है। इंग्लिश बोर्ड का कहना है, खिलाड़ियों को होने वाला वायरस कोरोना नहीं, वायरस खाने से मुतालिक होने का खदशा। चमन में टोकन माफिया ने अचानक नादरा सेंटर पर धावा बोल दिया। शीशे, कंप्यूटर और सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए। हमले में नादरा ऑफिसर की गाड़ी को नुकसान पहुंचा। वाकये के बाद ऑफिस को बंद कर दिया गया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज के पीछे जो है 80% से ज्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल देख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की। यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है, और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जेक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।